अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो मैंने तैयार की है उन सारी डिटेल्स से रिलेटेड कि हसीना मोइन मेमोरियल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन में आप लोग किस तरह हिस्सा ले सकते हैं। तो मैं आज आपसे फॉर्म्स भी शेयर करूँगी, मैं आपको सारा तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने जो है हमें ईमेल पे अपना सिनॉप्सिस यानी वन लाइनर भेजना है और फॉर्म्स में आपने क्या क्या डिटेल्स हमें भेजनी है अपने बारे में, और उसके अलावा यह है कि कौन कौन से वो लिंक्स हैं कि जहाँ पर आपने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है कि जिनको फिर हम अपने यूट्यूब चैनल निगार खाना पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वो वहीं से फिर ऑडियंस देखेगी और ऑडियंस की वोटिंग होगी, पोलिंग होगी। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है कि जो प्रोफेशनल मीडिया पर्सन्स हैं तो उन्होंने भी बड़ी एक्साइटमेंट का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा इंतज़ार है कि नया कंटेंट आएगा, नए एक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, नए परफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे, नए राइटर्स देखने को मिलेंगे। तो फिर यह है कि देर किस बात की है, कलम उठाइए और अपने अंदर के राइटर को जगाइए और अपने अंदर के एक्टर को जगाइए, अपने अंदर के डायरेक्टर को जगाइए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें मुझे कोई भी वो जो हम कहते हैं ना टेक्निकल वो जो है एक्सपर्टीज़ और के जी लाइटिंग ऐसी है ये वो सारा कुछ, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया के स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन वो इतने क्रिएटिव हैं, अब तो मोबाइल से भी फिल्में बन जाती हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि इतनी ज़बरदस्त हम वीडियोस देख रहे होते हैं कि जो प्रोफेशनल कैमराज से नहीं वो मोबाइल से ही बनाई जाती हैं। अच्छा जी, आपके सामने फॉर्म्स जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। अच्छा, टोटल रन टाइम यानी कि पूरी जो शॉर्ट फिल्म है उसको कितना होना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा ये शॉर्ट फिल्म नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर जनरल गाइडलाइंस, जो शॉर्ट फिल्म जो है वो इन वेबसाइट्स पे आप अपलोड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, वी ट्रांसफ़र, पी क्लाउड और द मेगा क्लाउड, और ये ईमेल एड्रेस है myreviews@gmail.com। अच्छा, ये जो शॉर्ट फिल्म होगी ये प्रॉपर्टी होगी निगार खाना यूट्यूब चैनल की 4 महीनों के लिए। अच्छा, पार्टिसिपेशन बिल्कुल फ्री है। अच्छा, लैंग्वेज इसकी उर्दू होगी क्योंकि ये है हसीना मोइन मेमोरियल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन। अच्छा जी, फिल्म्स जो हैं इतना याद रखिएगा कि किसी और कॉम्पिटिशन में जो है वो फिल्म्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, वो सिर्फ हसीना मोइन मेमोरियल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन के लिए बनाई जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, शॉर्ट फिल्म जो आप सबमिट करेंगे वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, ये नहीं कि किसी का काम उठाया और आपने उसको शेयर कर दिया, और ये जो है 2023 में ही बनी होनी चाहिए, ये नहीं है कि वही बात के जैसे कि पुरानी आपने एक फिल्म जो है वो शेयर कर दी, नहीं, वो 2023 में ही आपने बनानी है। अच्छा, अब हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, कोई बेहूदगी बेहयाई फहाशी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं हो, ना पॉलिटिकल, ना रिलीजियस और ना जेंडर रिलेटेड यानी LGBTQ, ठीक है। सब अच्छा, जो आपने सबमिट करानी है अपनी रजिस्ट्रेशन यानी जो आपने ईमेल में हमें अपना सिनॉप्सिस भेजना है वो 15 मार्च 2023 में तक जो आपके पास डेट है, आपने आखिरी डेट है 15 मार्च 2023 के, जिसमें आपने हमें ये अपनी इसकी डिटेल्स यानी अपनी वन लाइनर और अपनी बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपने भेजनी है। जो शॉर्ट फिल्म आपने हमें सबमिट करानी है वो 15 अप्रैल से पहले पहले करानी है, 15 अप्रैल 2023 आखिरी तारीख होगी। और अच्छा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि 15 मार्च से पहले पहले आपने अपनी डिटेल्स, अपना ये फॉर्म जो है ये सबमिट कराना है, और यानी उसमें जिसमें आपने अपनी स्टोरी के बारे में हमें बताना है कि आपकी जो स्टोरी है, आपका वन लाइनर है, जो सिनॉप्सिस है, वो आपने 15 मार्च से पहले पहले सबमिट कराना है। और जो आपकी शॉर्ट फिल्म होगी वो आपने 15 अप्रैल जो है उससे पहले पहले तो सबमिट कराना है, यानी 15 मार्च 2023 से पहले पहले आपने जो मैंने ईमेल एड्रेस शेयर किया है उस पर आपने ईमेल करके ये सारी डिटेल्स शेयर करनी है।
और 15 अप्रैल 2023 से पहले पहले अपनी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, उस पर अपलोड कर देनी है 15 अप्रैल 2023 तक, ठीक है जी। उसके अलावा वोटिंग और पोलिंग जो है वो 30 अप्रैल से हम स्टार्ट करा देंगे 2023। अच्छा, जो रिजल्ट्स होंगे वो हम 15 मई 2023 को इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे। ओके, अब आपकी डिटेल्स की बारी आई है। आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका NIC नंबर, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं उनका नंबर, फिल्म का टाइटल क्या है, ड्यूरेशन कितनी है, सिनॉप्सिस क्या है शॉर्ट फिल्म का, और जो फिल्म मेकर है यानी जो लीड जो है जिसकी तरफ से हमें ये आ रही है शॉर्ट फिल्म, आपने अपने बारे में भी जो है थोड़ा सा हमें बताना है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है। ओके, यानी इवन इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ और आपने एक शॉर्ट फिल्म बना के हमें भेजी है, तो आपने अपने बारे में बताना है कि आई एम हाउसवाइफ, लेकिन मुझे लिखने का शौक़ था, मुझे एक्टिंग का शौक़ था, तो मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं, आपने अपने बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल बताना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको याद होगा कि बहुत शुरू की भी जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने कहा था कि ये मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो है ये शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन नहीं रखा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करने वाले कोई प्रोफेशनल मेल हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं और आप अच्छा एक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि आपने अपना जो प्रोफाइल है अपने बारे में भी बताना है, ठीक है जी। फिर उसके अलावा कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने अग्रीमेंट और कॉन्सेंट पे बात करनी है कि इस एप्लीकेशन को सबमिट कराते हुए मैं ये कंफर्म करता हूँ या करती हूँ कि मेरे पास इस शॉर्ट फिल्म के कंप्लीट राइट्स हैं, कंप्लीट लीगल राइट्स हैं। ये शॉर्ट फिल्म जो है मैं अपने टीम की बिहाफ पे जो है मैं जो शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे पास इसकी पूरी ओनरशिप है, मेरे पास इसके राइट हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कोई जो है इंटेलेक्चुअल राइट्स की जो है हमारे साथ कोई स्ट्राइक भेज दे, कोई आपके ऊपर कोई केस आ जाए, तो बिल्कुल चीज़ें आपकी माइंड में क्लियर हों कि जो भी चीज़ बना रहे हैं वो आपका अपना ओरिजिनल काम होगा और आपके पास उसके राइट्स भी होंगे और टीम मेंबर्स की इसमें जो है भरपूर आमादगी भी होगी। आपने हमें ये भी बताना है कि ये जो मैंने आप शेयर किया आपके साथ अपनी शॉर्ट फिल्म, ये ओरिजिनल काम है और मैंने किसी का भी जो है इसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट या मैंने कहीं से भी इसको कॉपी नहीं किया हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अप टू माय नॉलेज इस पर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है। इवन जो म्यूज़िक भी आप उसमें यूज़ करें वो आप याद रखिएगा कि उस पर कोई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि जहाँ आपने कोई ऐसी चीज़ की कि किसी और का म्यूज़िक जो है यूज़ किया, किसी और का म्यूज़िक जो है इसमें इस्तेमाल किया, तो फेस ये क्या कहते हैं यूट्यूब जो है वो फॉरेन कॉपीराइट का जो है कभी स्ट्राइक भी भेज देती है, कभी क्लेम कर देती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये फिर आप ही के प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह होगा। फिर आपने हमें ये भी कंफर्म करना है कि मैं परमिशन देता हूँ या परमिशन देती हूँ कि ये जो फिल्म है ये हसीना मोइन मेमोरियल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन के लिए निगारखाना यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी और जो है मेरी तरफ से पूरा मेरा कॉन्सेंट है कि इसको जो है जो पोस्टर्स वगैरह भी मैं आपसे शेयर करूंगा या करूंगी, मतलब इट्स अप टू यू कि आपने अब अपनी चीज़ को भी किस तरह प्रमोट करना है। हम तो आपकी चीज़ को प्रमोट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारा कंटेंट करना है कि आपके कोई क्लिप्स हमने इस्तेमाल किए, अब आप ही की चीज़ को प्रमोट करने के लिए पेज पे शेयर किया कि लाजमी देखें ये शॉर्ट फिल्म, इसमें देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, तो उसमें से हम कुछ क्लिप्स भी जो हैं वो अब शेयर करेंगे। और आखिरी दफ़ा फिर ये है कि आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशंस, कि सारी जो कंडीशंस हैं वो मैंने देख भी ली हैं, अच्छे तरीके से पढ़ भी ली हैं। और एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि ये जो सारा जो मैंने आपको फॉर्म आपके सामने सब कुछ खुल खाल के शेयर कर दिया है, तो आपने इसकी जितनी भी शरायत हैं, इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। फॉर्म भी मैं शेयर कर रही हूँ
और ये नहीं है कि आप फॉर्म की जो है उठा के प्रिंट आउट निकालें और फिर आप हमें ईमेल करें, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्म जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, इसको अपने पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपने पास किसी भी कॉपी में, और जो जो हमें हमने डिमांड की है बस वो आपने हमें ईमेल करनी है। इससे ज़्यादा आसानी मैं आपके लिए कर नहीं सकती कि ये कोई इसका कोई प्रिंट आउट वगैरह आप हमें कुछ नहीं भेजेंगे। और फिर जैसे जैसे कंपटीशन के दिन करीब आते रहेंगे, मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगी कि इससे आप जो भी क्वेरीज हैं आपकी वो आप अपनी शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपके पास मिल जाएगा। तो प्लीज़ 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 आइए आगे बढ़ें, और तो बस फिर किस चीज़ का इंतज़ार है, अपने अंदर के राइटर को, एक्टर को, डायरेक्टर को जगाइए। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आपका इंतज़ार कर रहा है आपकी क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाने के लिए। और हमें नहीं पता चलता कि कभी कभी कोई छोटा सा स्टेप जो होता है वो बहुत बड़े बड़े दरवाजे और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देता है। तो आगे बढ़िए, और मैं इंतज़ार करूँगी आपकी जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनका, और उनके सारे लिंक्स जो हैं आपकी जो शॉर्ट फिल्म्स होंगी वो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को भी भेज दी जाएंगी, मीडिया प्रोफेशनल्स को भी भेजी जाएंगी, और क्या पता कि हसीना मोइन मेमोरियल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के ज़रिए हमें अगले किसी टीवी सीरियल के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त राइटर मिल जाए, कोई बहुत ज़बरदस्त एक्टर मिल जाए, कोई बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर मिल जाए।